Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. गाइज यार, आज आईपीएल का जो सेकंड मैच है वो खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। और यार ये वाला जो मैच है ना, ये फुल ऑन लफड़ेदार मैच होने वाला है। मुंबई इंडियंस की टीम में जो कैप्टनसी चेंजेज हुए हैं ना इस बार, उनके ऊपर आपको भी पता है ऑलरेडी काफी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी है ना। और इनका जो पहला मैच है वो होने भी वाला है यार गुजरात टाइटंस की टीम के अगेंस्ट, जिनके प्रीवियस कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, जिनके ऊपर ये सारे टॉपिक छिड़े हुए हैं। तो भाई काफी एक्साइटिंग, काफी मजेदार मैच ये होने वाला है। और बाकी देखो यार, चाहे कितना ही एक्साइटिंग मैच हो, अपना जो मेन टारगेट है वो तो है इस मैच से प्रॉफिट कमाना, अपने को अपने मेन टारगेट से थोड़ा ही भटकना है ना। और उसी चीज के लिए तो यार मैं इस मैच की एनालिसिस लेके आया हूं इस वीडियो में। दोस्तों मैं इस मैच की पूरी कुंडली खोल के आपके सामने रखने वाला हूं, बहुत अच्छे एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने ये एनालिसिस अच्छे से समझ ली ना, तो इस मैच में आप अपने आप जो है काफी अच्छी टीम क्रिएट कर पाओगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। बाकी दोस्तों देखो यार, अभी तो आईपीएल स्टार्ट ही हुआ है, आपको पता है अभी पूरा आईपीएल बाकी पड़ा है। और हर साल की तरह इस साल भी हम इस आईपीएल के सीजन में बहुत अच्छा प्रॉफिट करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको भी यार इस आईपीएल में अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो देखो आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है भाई, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिसने भी अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आ रहा है देखो सब्सक्राइब का बटन, फटाफट से दबाओ और उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है वो भी दबा के ऑन कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के दोस्तों आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन ये चैनल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा के दे सकता है अगले 2-3 महीनों में, ठीक है। ये काम आपको कर लेना है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में। तो यार इस वीडियो में तो आपको हमेशा तरह इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। फिर आगे इसी वीडियो में दोस्तों एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम इस मैच की एक टीम बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, वो जो भी टीम हम इस वीडियो में बनाएंगे वो अपनी फाइनल टीम तो होगी नहीं, क्योंकि फाइनल टीम बनती है टॉस होने के बाद। क्योंकि टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल पिच रिपोर्ट, फाइनल प्लेइंग 11 वगैरह आती है ना यार, उनकी वजह से अपनी जो वीडियो वाली टीम होती है उसमें चेंजेज होते हैं। तो यार अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा तरह दोस्तों टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे तो आप सबने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, लेकिन अगर किसी भाई ने नहीं ज्वाइन किया हो, तो देखो यार हमारा टेलीग्राम चैनल आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। फिलहाल में दोस्तों 1,80,000 से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और रेगुलरली फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। आपको भी जुड़ जाना है टेलीग्राम चैनल की। दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। तो मेरे भाई आपको जुड़ ही जाना है, ठीक है। एकदम फ्री है, एकदम आसान है और बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इस मैच के बारे में। तो आज शाम को 7:30 बजे वाला मैच खेला जाएगा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोतेरा स्टेडियम अहमदाबाद में ये वाला मैच खेला जाएगा, ठीक है। इस मैदान की दोस्तों एक खास बात है कि यहाँ पर रेड सोइल पिच और ब्लैक सोइल पिच दोनों के दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब आज वाला मैच दोस्तों जिस पिच पर खेला जाने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली रेड सोइल पिच रहेगा, लेकिन फाइनल अपडेट के टाइम पे ही अपने को ये बात पता लगेगी। टॉस के बाद में आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा ये बात, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये सब बातें करें उससे पहले यार, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वो लाइक का बटन दबाओ। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, रात रात भर जाग के जो है मैच की एनालिसिस होती है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके डालना होता है, ताकि हम सब जो है मिलजुल के इस आईपीएल के सीजन में प्रॉफिट कमा सकें, है ना। तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, इतना सा काम तो कर ही सकते हो आपके भाई के लिए, आपका प्रॉफिट करवा रहा हूँ मैं फ्री में। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार पिच और वेदर के बारे में। तो जो मौसम है वो एकदम क्लियर रहने वाला है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इवनिंग मैच है तो ड्यू आ सकती है, लेकिन अपने पास ये खबर आ रही है कि अहमदाबाद में पिछले कुछ दिनों से ड्यू जो है कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर नहीं रही है। तो हो सकता है आज वाले मैच में ड्यू कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करे, ठीक है। उसके अलावा फिर भी ड्यू चाहे आए चाहे नहीं आए, आई थिंक टॉस जीत के जो कप्तान है वो पहले बॉलिंग ही करना चाहेंगे, सेफ साइड चलना चाहेंगे, है ना, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे पहले मैच में। उसके अलावा दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो पिच है जिस पर मैच खेला जाने वाला है, उसके बारे में अपने पास अपडेट आ चुकी है कि यार ये वाला जो पिच है ना वो बैलेंस सरफेस रहने वाला है, हर एक टाइप के प्लेयर को यहां पर सपोर्ट मिलेगा। यहां पर दोस्तों बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, बॉलर्स में फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट मिलेगा और स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहां पर बैट्समैन को भी सपोर्ट रहेगा, तो अगर बैट्समैन टिक के खेलता है, थोड़े आराम से खेलता है ना, तो अच्छा खासा स्कोर यहां पर पोस्ट किया जा सकता है। एवरेज स्कोर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस मैच का मैं लगभग 180 के समथिंग मान के चल रहा हूं, लेकिन वो तो खैर फाइनल पिच रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। अगर रेड सोइल पिच होती है तो 180 से ऊपर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ब्लैक सोइल पिच होती है तो जो स्कोर है वो 180 से नीचे देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, ब्लैक सोइल पिच स्लो पिच होती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना चाहेगी, ये बात मैं आपको बताई चुका हूं। और ड्यू जो है माइट नॉट प्ले अ रोल हियर, ड्यू हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले न करे इस मैच में, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको भी पता है ये एक प्री मैच पिच रिपोर्ट है, ये एक डेमो पिच रिपोर्ट है। इस मैच की जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो अपने पास टॉस के बाद आएगी, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा। तो एक बार वापस बोल रहा हूं भाई, टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वेन्यू स्टेट्स की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज तक टोटल 27 मैच खेले गए हैं आईपीएल के, ठीक है। इनमें से दोस्तों 12 मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग किया और 14 मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बॉलिंग की है।
तो वैसे भी दोस्तों यहाँ पर मतलब बैटिंग कर लो चाहे बॉलिंग कर लो, है ना, लगभग बराबर ही मैच जीते हैं, इसीलिए ड्यू जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है ना, बराबर सा ही मामला रहता है। एवरेज स्कोर दोस्तों 169 का इस मैच का मैंने आपको बता दिया, 180 के समथिंग जा सकता है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों गुजरात टाइटन्स का है 233 का और लोवेस्ट स्कोर राजस्थान रॉयल्स का है 102 पे ऑल आउट का, ठीक है। बाकी स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप खुद भी देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी यार माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर काफी अच्छे ऑफर चल रहे हैं, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो इस एप्लीकेशन को तो डाउनलोड कर लेना, इसकी डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। 1500 रुपए कैश बोनस भी आपको मिलेगा, फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश भी आपको मिलेगा, ठीक है। ग्रैंड प्राइजेज भी बहुत सारे हैं और मेगा लीग में भी ऑफर चल रहा है कि आप सिर्फ 1 रुपए से 5 टीम ज्वाइन कर सकते हो मेगा लीग में आज वाले मैचों में, ठीक है। तो फटाफट से डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर दोस्तों सार भी फ्री में बट रही है टॉप 10 विनर्स को, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में ध्यान रखना, डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है माई 11 सर्कल की। उसके अलावा दोस्तों देखो रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड, गुजरात टाइटंस ने पिछले सीजन काफी अच्छी पारी खेली थी, सीएसके के अगेंस्ट फाइनल तक गए थे, फाइनल में हार गए थे, लेकिन ओवरऑल इनका जो पूरा सीजन था वो काफी अच्छा गया था इनका। यार इससे पिछला वाला जो सीजन था इसमें तो वो चैंपियन थे ही, है ना, उसके बाद जो पिछला सीजन था उसमें भी ये फाइनल तक गए, हार्दिक पांड्या ने अच्छी कैप्टनसी की थी गुजरात टाइटंस में, उसके बाद तो जो है अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन चुके हैं, कैप्टन को ही ले गई मुंबई इंडियंस, इसी की वजह से तो विवाद छिड़ा हुआ है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस में, इसीलिए तो जो है माहौल होने वाला है आज वाले मैच में। और उधर से रोहित शर्मा के फैन गुस्सा हो रखे हैं, है ना, कि भाई रोहित शर्मा को हटा दिया कैप्टनसी से, 5 बार उन्होंने आईपीएल जितवाया, कम बात नहीं होती वो, तो इसी बात को लेकर जो है इंटरेस्टिंग सा माहौल रहने वाला है आज वाले मैच में। उसके अलावा दोस्तों मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो सीजन था पिछला वाला वो भी काफी अच्छा गया था, एलिमिनेटर 1 में इन्होंने जो है लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था, फिर क्वालिफाइड सेकंड में जाके गुजरात टाइटन से हार गए थे और वहीं पर अपना जो सीजन था वो खत्म कर दिया था। इस वाले सीजन में देखते हैं, हार्दिक पांड्या वापस आए हैं मुंबई इंडियंस में, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि दोस्तों इंजरी कंसर्न बहुत ज्यादा है मुंबई इंडियंस में आज वाले मैच में, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो आज तक जो 4 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं उनमें 2-2 का रिकॉर्ड है, 2 मैच गुजरात टाइटन्स ने जीते हैं तो 2 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। इनमें से दोस्तों 4 में से 3 मैच तो पिछले सीजन ही खेले गए थे, 1 मैच जो है आईपीएल 2022 में खेला गया था, ठीक है। तो ये जो 3 मैच है ना ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनका डेटा अपन अच्छे से देखने वाले हैं कि पिछले सीजन में क्या हुआ था सीन, तो वो मैं आपकी स्क्रीन के सामने यहां पर रख लाऊं, आज वाले मैच में भी देखते हैं क्या सीन रहता है। यहां पर से दोस्तों आपको पता लगेगा कि टॉप परफॉर्मर्स कौन है, जब जब पिछले सीजन में इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ तो कौन से प्लेयर्स रहते थे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। तो पिछले सीजन दोस्तों ये जो पहला मैच हुआ था गुजरात टाइटन्स ने 207 रन बनाए थे, मुंबई इंडियंस चेस नहीं कर पाई थी। इस मैच में टॉप परफॉर्मर थे दोस्तों शुभमन गिल, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, ठीक है, पीयूष चावला, अर्जुन तेंदुलकर, नेहाल वदेरा, नूर अहमद, मोहित शर्मा और राशिद खान, इन सब ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी इस मैच में, ठीक है। अब मैंने दोस्तों कुछ प्लेयर्स को हाईलाइट कर रखा है, ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा मैच में आमने सामने अच्छी परफॉर्मेंस की है। जैसे कि इस वाले मैच में आते हैं हम, ये भी पिछला वाला मैच पिछले सीजन में ही था, मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते टाइम 218 रन टांके थे और गुजरात टाइटन्स उसको चेस नहीं कर पाई थी, ठीक है। इस मैच में दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने काफी शानदार पारी खेली थी, लेकिन ध्यान रखना सूर्य कुमार यादव आज वाला मैच नहीं खेलेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है, फॉल बैक हो जाता है मुंबई इंडियंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ईशान किशन ने 1 पारी में 31 रन खेले थे। बाकी राशिद खान ने दोस्तों देखो यार राशिद खान ने इस मैच में भी 2 विकेट लिए, इस मैच में 79 रनों की शानदार पारी भी खेली प्लस 4 विकेट लिए, इस मैच में भी राशिद खान ने 2 विकेट लिए, तो राशिद खान रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने सिर्फ 1 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की थी 29 रनों की, डेविड मिलर ने दोस्तों 41 रनों की पारी यहां पर खेली, 46 रनों की पारी यहां पर खेली, डेविड मिलर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। आकाश मधवाल दोस्तों 3 विकेट एक मैच में निकाले थे, विजय शंकर 29 रन बनाए थे, पीयूष चावला ने 2 विकेट यहां पर निकाले, 2 विकेट यहां पर निकाले पीयूष चावला ने, है ना, तो पीयूष चावला ने भी मल्टीपल टाइम्स अच्छी परफॉर्मेंस की है। उसके अलावा दोस्तों शुभमन गिल ने 129 रनों की पारी यहां पर खेली, 58 रनों की पारी यहां पर खेली, तो शुभमन गिल ने भी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस किया, लेकिन ध्यान रखना शुभमन गिल पर इस बार कैप्टनसी का प्रेशर रहेगा और आज वाले मैच में तो बहुत हाई प्रेशर रहेगा, है ना, उसके वजह से कहीं ना कहीं चांसेस जाएंगे शुभमन गिल अंडर प्रेशर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। ये हो जाती है आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग टिप नंबर 1, शुभमन गिल को अपनी ग्रैंड लीग की टीम से आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन ने 43 रनों की पारी खेली थी, हार्दिक पांड्या तो खैर अपनी पार्टी बदल ली है, पहले गुजरात टाइटंस में थे अब हार्दिक पांड्या आ चुके हैं मुंबई इंडियंस में। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों इसमें भी 61 रनों की पारी खेली थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्य कुमार यादव खेलेंगे नहीं आज वाला मैच। तिलक वर्मा ने 43 रनों की पारी खेली थी, राशिद खान ने 3 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की और मोहित शर्मा ने दोस्तों इस मैच में 5 विकेट निकाले थे और इस मैच में 2 विकेट निकाले थे। मोहित शर्मा ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, ठीक है। ये मोहित शर्मा गुजरात टाइटन्स की टीम की तरफ से खेलते हैं, काफी अच्छे पेसर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों अपने वीडियो के गिव अवे के बारे में, तो इसके बारे में तो क्या ही बात करेंगे, आपको पता है 500 रुपये पेटीएम कैश आप आसानी से जीत सकते हो, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
वीडियो को पूरा देखना है और इन तीन सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों गुजरात टाइटंस की पूरी स्क्वाड के बारे में। तो यार इस सीजन में जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया वो आपकी स्क्रीन के सामने अपने पास दोस्तों टीम न्यूज इनकी तरफ से क्या है देखो मैं आपको बता देता हूँ इनकी तरफ से। हाँ यहाँ पर मैथ्यू वेट जो है अभी अवेलेबल नहीं है, इंडिया नहीं आई है, आज वाले मैच में खेलने का चांस ही नहीं है। उसके अलावा दोस्तों देखो आई थिंक सारे प्लेयर और तो अवेलेबल होंगे इनके, ठीक है, ये भी अवेलेबल हैं, इसको दिक्कत नहीं है। ये भी हैं उमेश यादव, ओज उमरजाई, सब कुछ है ना। हाँ तो बस एक ही अपडेट है इनकी तरफ से तो गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से तो कि भाई जो मैथ्यू वेड है वो अभी तक इंडिया नहीं आए हैं, तो आपको आज वाले मैच में खेलते हुए दिखने का चांस ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों गुजरात टाइटंस की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन के सामने, सॉरी पॉसिबल 12, ठीक है, पॉसिबल 12 जो गुजरात टाइटंस की है वो आपकी स्क्रीन के सामने। ये 12 खिलाड़ी आपको आज वाले मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, आर्श आई किस और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो 11 खिलाड़ी हैं आपकी स्क्रीन के सामने, शुभमन गिल, वृद्धिमान साहा है ना, सुदर्शन, विलियमसन वगैरह, विलियमसन की जगह दोस्तों ये अजमतुल्ला उमरजाई को खिलाना चाहे, इनके पास ऑप्शन है, वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ऑप्शन देता है, लेकिन चूंकि शुभमन गिल एक नए प्लेयर हैं, पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं ना, तो प्रेशर रहेगा, तो एक सीनियर प्लेयर जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा कैप्टन है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो केन विलियमसन को आई थिंक उस रीजन की वजह से खिला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों प्लेयर तो केन विलियमसन क्लासिक है, ये बात तो सब जानते हैं, डेविड मिलर, शाहरुख खान, टेवटिया है ना, ये सब हैं, स्पेंसर जॉनसन वगैरह काफी अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं स्पेंसर जॉनसन। बाकी दोस्तों ये प्लेयर जो है आज वाले मैच में आपको गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से खेलते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पॉसिबल 12 है वो, उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो अपने को टॉस के बाद पता लगेंगे, मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। फिलहाल में दोस्तों बात करते हैं इन 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले अपने पास नाम आ जाता है शुभमन गिल का दोस्तों, अपने T20 के करियर में शुभमन गिल ने टोटल 126 मैच खेले आज तक, जिनमें 3800 से भी ज्यादा रन बनाए और 36 के समथिंग का बैटिंग एवरेज रहता है। रिसेंटली कोई T20 का मैच तो गिल वगैरह ने खेला नहीं है, है ना, लेकिन हाँ प्लेयर काफी अच्छे हैं अहमदाबाद के मैदान में, तो दोस्तों ये जो है वैसे जनरली भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपकी स्मॉल लीग की टीम के लिए तो एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में अगर आप इनको ड्रॉप करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि कैप्टनशिप का प्रेशर रहेगा इनके ऊपर, ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वृद्धिमान साहा की अगर मैं बात करूं, 246 मैच का एक्सपीरियंस है, 4500 से प्लस रन है, 25 के समथिंग का बैटिंग एवरेज रहता है, कभी कभी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं, अगर आपको अपनी स्मॉली की टीम में कंसीडर नहीं करना तो चाहे से रहने देना। साई सुदर्शन दोस्तों मैं बोलूंगा इनके ऊपर लोगों का फोकस बहुत कम रहेगा, लेकिन काफी अच्छे प्लेयर हैं, जीएल मिनी जीएल के लिए भी अच्छे पिक है, साथ साथ दोस्तों स्मॉली के लिए भी ट्रम्प कार्ड निकल सकते हैं। 31 मैच इन्होंने खेले, 976 रन है, 38 के समथिंग का बैटिंग एवरेज है, जो कि इन सबसे ज्यादा है, ठीक है। साई सुदर्शन दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर है, अंडररेटेड है, इनके ऊपर लोगों का फोकस नहीं रहेगा, वापस बोल रहा हूं ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं, ठीक है। केन विलियमसन दोस्तों 248 मैच का एक्सपीरियंस है, इनके बारे में तो क्या ही बात करूं, राइट हैंड बैट्समैन है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और आपकी टीम के लिए एक सेफ चॉइस हो जाता है केन विलियमसन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेविड मिलर का अपने पास नाम आ जाता है, ये भी भाई पावर हिटिंग काफी अच्छी करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटर है, फिनिशर का रोल अदा करेंगे, बहुत मैच खेले हैं यार इन्होंने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास, 10,000 प्लस रन है, 35 का बैटिंग एवरेज है। रिसेंटली दोस्तों इन्होंने T20 क्रिकेट खेला, एक दो मैच में अच्छी पारी भी खेली है ना, और अच्छी फॉर्म में भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, लास्ट सीजन भी इनका काफी अच्छा गया है। उसके अलावा दोस्तों शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डाउन हो जाता है और उतना कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं है, बस ऐसा है कि पावर हिटर रहे हैं, आते ही मारने की कोशिश करेंगे, एक बार के लिए दोस्तों अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। टेवटिया का भी दोस्तों यही रोल था पिछले सीजन में, तो कि भाई आओ मारो और टीम को जिता ले जाओ, है ना, पावर हिटिंग वाला ही केस था इनका भी, बैटिंग ऑर्डर दोस्तों इनका भी बहुत ज्यादा डाउन रहेगा और बैटिंग आएगी नहीं आएगी इसके भी चांसेस कम है, बॉलिंग इनको जो है पिछले सीजन में तो मिली नहीं थी, इस सीजन में देखते हैं क्या पता मिल जाए, 135 मैच में 69 विकेट इन्होंने लिए हैं अपने T20 के करियर में, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं ना, हो सकता है बॉलिंग भी करवा दें एक आधा ओवर। उसके अलावा दोस्तों राशिद खान है आपकी टीम के लिए डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाता है, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी अच्छे चॉइस है, कैप्टन के लिए वाइस कैप्टन के लिए अच्छे चॉइस है, 413 मैच इन्होंने T20 क्रिकेट में खेले हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस कर चुके हैं, है ना, रिसेंटली जो इन्होंने T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस आई है, 3 मैच में 8 विकेट है ना, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस आई थी पिछले सीजन, 3 मैच में, तीनों मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, तो उस हिसाब से राशिद खान अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं सीवीसी की चॉइसेस के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उमेश यादव की अगर मैं बात करूं, राइट आर्म फास्ट बॉलर, 186 मैच में 193 विकेट, काफी अच्छा एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग में स्विंग वगैरह इनको मिल सकती है। इस बार दोस्तों मोहम्मद शमी तो है नहीं, आपको भी पता है गुजरात टाइटंस की टीम में तो वो इंजर्ड है, इसलिए उमेश यादव को ही जो है एक सीनियर का रोल अदा करना पड़ सकता है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों स्पेंसर जॉनसन जो है ना, ये आप लोगों के लिए ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं आज वाले मैच में, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में काफी इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, रिस्की पिक रहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लेफ्ट आर्म पेसर है, 32 मैच में 39 विकेट है और काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, रिसेंटली जो T20 के मैच खेले थे उनमें 3 मैच में 4 विकेट है, लेकिन मेरे को पर्सनली जो इनकी बॉलिंग काफी अच्छी लगती है, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, काफी सही बॉलिंग करते हैं, ठीक है। मोहित शर्मा दोस्तों जिन्होंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट सीजन, मैंने आपको बताया
एक्सपीरियंस प्लेयर है, 148 मैच में 150 विकेट है, 8.24 की इकोनॉमी रेट है, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, अगर आप अपनी टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो। लास्ट में दोस्तों साई किशोर का अपने पास नाम आ जाता है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 57 मैच में 63 विकेट, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे, वो भी अभी फिक्स नहीं है ना, इसलिए उनके ऊपर अपन ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। बात करते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस की। देखो गुजरात टाइटंस की पूरी स्क्वाड की बात हो गई है, क्या क्या करना है, किस किस को लेना है, क्या क्या नहीं करना है ना, सारी बातें कर ली हैं। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो यार इनकी जो पूरी स्क्वाड है वो आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं अपने पास जो भी न्यूज है। सबसे पहली न्यूज है सूर्य कुमार यादव से रिलेटेड, इंजर्ड हो चुके हैं, रिकवर हो रहे हैं, आपको अभी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अपने पास जो न्यूज आ रही है वो आ रही है यहाँ से जेरल्ड कोविड जी को लेके, कि भाई ये भी अभी तक पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं, ध्यान रखना ये भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे आज वाले मैच में, है ना। उसके अलावा तो आई थिंक ये सारे प्लेयर अवेलेबल हैं इनके पास, ऐसी कोई दिक्कत इनको आनी नहीं चाहिए, है ना। वो जो इनके प्लेयर थे दिलशान मधुशंका, वो तो रूल आउट ही हो चुके हैं, पूरे सीजन से ही रूल आउट हो चुके हैं ना, तो उनका तो खैर यहाँ पर स्क्वाड में भी नाम नहीं है। बाकी बात करते हैं दोस्तों पॉसिबल 12 के बारे में। तो मुंबई इंडियंस की जो पॉसिबल 12 है वो आपकी स्क्रीन के सामने, आई थिंक ये 12 खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। डेवाल्ड ब्राविस जो है इनके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं फिनिशिंग टच अदा करने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों लूक वुड की जगह अगर ये खिलाना चाहें नुवन तुषारा को तो वो उनको भी खिला सकते हैं। नुवन तुषारा इज अ वेरी गुड बॉलर, है ना, और काफी अच्छी वो ट्रम्प कार्ड निकल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो दोस्तों और तो क्या ही चेंज करेंगे ये, है ना, आई डोंट थिंक ये और कुछ भी। मोहम्मद नबी की जगह रोमारियो शेपर्ड ट्राई कर सकते हैं, और तो मेरे को नहीं लगता कि ये अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ खास चेंजेस करने वाले हैं। बाकी दोस्तों चेंजेस करेंगे, अपडेट आएगी तो उसके टाइम आएगी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल में दोस्तों बात करते हैं इन्हीं 12 प्लेयर्स के सारे रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो यार वही बात है, आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूल जाना, जिसने भी अभी तक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर करके आगे बढ़ना, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार रोहित शर्मा की, तो एक्सपीरियंस तो कूट कूट के भरा ही है, इसी को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11,000 प्लस रन है, 30 प्लस का बैटिंग एवरेज है, और एक क्लासिक खिलाड़ी है ना क्रिकेट के। रिसेंटली इनकी फॉर्म भी काफी अच्छी चल रही है, हमने देखा है आते ही पावर हिटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं रोहित शर्मा, और अब इनके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर एटलीस्ट नहीं है। हालांकि कैप्टनसी के प्रेशर में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं ये, वर्ल्ड कप में हमने देखा, लेकिन अब जब प्रेशर है ही नहीं बिल्कुल भी तो और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ईशान किशन आते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप इनको उठा सकते हो, इनको या वृद्धिमान साहा को, आई थिंक इनके साथ जाना ज्यादा सही रहेगा। लेफ्ट हैंड बैटर है, 172 मैच का एक्सपीरियंस है, 4,000 प्लस रन है, 28 का बैटिंग एवरेज है, पावर हीटिंग अच्छी कर सकते हैं। फिर दोस्तों तिलक वर्मा का नाम आ जाता है, लेफ्ट हैंड बैटर ये भी है, 70 मैच इन्होंने खेले हैं, 2,000 प्लस रन है, 40 का बैटिंग एवरेज है इनका। दोस्तों मुंबई इंडियंस का जो नंबर 3 का प्लेयर है ना तिलक वर्मा, ये भी काफी अच्छा प्लेयर है, और गुजरात टाइटंस का जो प्लेयर है नंबर 3 का साई सुदर्शन, वो भी काफी अच्छा प्लेयर है, तो दोनों के दोनों आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या की दोस्तों मैं बात करूं तो वही बात है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, हार्दिक पांड्या हमेशा की तरह एक काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं टीम के, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेहाल वधेरा का अपने पास ऑप्शन आ जाता है, एक काफी अच्छे पावर हिटर है, लेफ्ट हैंड बैटर है, 21 मैच खेले हैं T20 में, 416 रन है और 34 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है, काफी सही पावर हिटर है नेहाल वधेरा, काफी अच्छी टाइमिंग करते हैं बॉल को, तो आप इनको ग्रैंड लीग में आई थिंक ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में चाहे से रहने देना, क्योंकि अपने पास और भी बेटर चॉइसेज है अपने टीम में उठाने के लिए, ठीक है। टीम डेविड की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये भी वही बात है, पावर हिटर है काफी तगड़े, ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग के अच्छे पिक। देखो जो पावर हिटर्स होते हैं ना वो कभी भी कितनी भी अच्छी पारी खेल सकते हैं, और वो हमेशा आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग के अच्छे पिक होते हैं। टीम डेविड का भी दोस्तों बैटिंग ऑर्डर डाउन रहेगा, इसलिए हो सकता है मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में नहीं रखूँ, लेकिन ग्रैंड लीग में मैं जब टीम बनाऊंगा ना इस मैच की, उसमें 100% टीम डेविड नेहाल वगैरह इन सबको मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नबी आ जाते हैं, इनका यार बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा, बॉलिंग इनको पूरे 4 ओवर मिलेगी नहीं मिलेगी उसके कोई वो नहीं है, गारंटी है ना। इन्होंने दोस्तों जो रिसेंटली T20 फॉर्मेट में मैच खेले हैं, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, एक बार के लिए दोस्तों इनको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। हालांकि दोस्तों अगर फाइनल प्लेइंग 11 में आता है कि मोहम्मद नबी का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर है, अगर टॉप 5 में भी मेरे को दिखते हैं ना, तो फिर मैं मोहम्मद नबी को उठा लूंगा, अदरवाइज नहीं उठाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पीयूष चावला, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस किया गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, मैंने आपको बताया है ना, लास्ट सीजन 2-2 विकेट निकाले थे, और अच्छे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, डेफिनेटली आपकी टीम के लिए एक डिसेंट पिक हो जाते हैं, अच्छे पिक हो जाते हैं। अब दोस्तों देखो यार एक चीज मैं आपको और बताऊं, पिच कैसा रहता है, ब्लैक सोइल पिच रहता है या रेड सोइल पिच हो रहता है? अगर रेड सोइल पिच रहेगा ना तो फिर मैं हो सकता है स्पिनर्स को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस न दूं अपनी टीम में, लेकिन अगर ब्लैक सोइल पिच रहेगा देन पीयूष चावला है ना, कुमार कार्तिकिया, ये सारी मेरी टीम के इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। इवन ये जो है ना प्लेयर कुमार कार्तिकिया वगैरह जिनके ऊपर लोगों का फोकस तक नहीं रहेगा, वो ट्रम्प कार्ड निकल जाएंगे अगर पिच ब्लैक सोइल पिच से होता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जसप्रीत बुमराह गोट है यार, डेफिनेटली अपनी टीम में रखना ही रखना है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लूक वुड की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये खेले चाहे से नुवन तसुरा खेले, दोनों काफी अच्छे टैलेंटेड बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर दोस्तों ये हैं, 140 मैच में 147 विकेट लिए हैं, 8.45 की इकोनॉमी रेट,
रिसेंटली जो T20 क्रिकेट इन्होंने खेले हैं उनमें डिसेंट परफॉर्मेंस आई है, ठीक है। कुमार कार्तिकिया दोस्तों स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 31 मैच में 32 विकेट, 7.01 की इकोनॉमी रेट, काफी सही है। रिसेंटली इन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला। एंड लास्ट में दोस्तों डेविड ब्राविस जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं, इंपैक्ट डाल सकते हैं पावर हिटिंग करके। रिसेंटली काफी अच्छी पावर हिटिंग ये कर रहे हैं T20 लीग्स में, 2950 रनों की पारी खेली थी। एक मैच में इनको बॉलिंग भी दी गई थी, लेकिन ध्यान रखना वो लोकल लीग थी, ये IPL है, यहाँ पर पार्ट टाइमर्स को बॉलिंग नहीं दी जाएगी। और अब तो इंपैक्ट प्लेयर रूल हो रहे हैं, तो पार्ट टाइमर बॉलर की जो महत्वता है वो ऑलरेडी वैसे कम हो चुकी है, ठीक है। तो इनको बॉलिंग से बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। बाकी दोस्तों ये बात हो जाती है मुंबई इंडियंस की टीम के सारे प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में। अच्छा दोस्तों देखो यार, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, कॉन्टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे। उन सवालों का जवाब दिया था कि भाई कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप ड्रीम इलेवन पे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करवा सकते हो, है ना, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो मैं बोलूंगा जाके देख लेना, इसकी जो लिंक है मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पर भी जाके आप देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये देख लोगे ना आपको काफी फायदा होगा इन्वेस्ट करने में, और काफी आपका प्रॉफिट है ना वो ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। बाकी बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर बैटल्स के बारे में। ये इस मैच में दोस्तों बहुत सारे प्लेयर बैटल हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हेल्प करेंगे अपनी, चाहे आप स्मॉल लीग की टीम बनाओ चाहे ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, हर जगह ये आपको हेल्प करेंगे। तो एक बार के लिए अपना पूरा फोकस रखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिर्फ गुजरात टाइटंस के बैट्समैन और वर्सेज मुंबई इंडियंस के बॉलर्स के बारे में। आगे हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बैट्समैन और गुजरात टाइटंस के बॉलर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर वृद्धिमान साहा की अगर मैं बात करूं तो भाई पीयूष चावला के अगेंस्ट 61 बॉल में वृद्धिमान साहा ने 4 बार अपना विकेट दिया है, लेकिन 100 रन भी बनाए हैं, तो काफी अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। अब यार बात यह है कि वृद्धिमान साहा तो करेंगे ओपनिंग और पीयूष चावला जो है पावर प्ले में बॉलिंग करने नहीं वाले, तो एक तरीके से ये प्लेयर बैटल उतना कुछ खास भी नहीं काम आएगा अपने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेविड मिलर और पीयूष चावला का ये प्लेयर बैटल इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीयूष चावला ने इनको 50 बॉल खिलाई है, डेविड मिलर ने ओनली 60 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट दिया है पीयूष चावला को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है। केन विलियमसन और हार्दिक पांड्या का है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। केन विलियमसन ने हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट T20 फॉर्मेट में 22 बॉल में 28 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट भी दिया है, हार्दिक पांड्या इनको परेशान कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों राशिद खान, चूंकि वैसे तो ये एक बॉलर हैं, लेकिन पिछले ही साल जो है मुंबई इंडियंस की वाट लगा दी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी बैटिंग के साथ, 70 प्लस रनों की पारी खेली थी। बुमराह के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, 7 बॉल में 4 बार अपना विकेट दिया है, तो राशिद खान से बैटिंग से उम्मीद मत करना। और शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या का है दोस्तों, ये भी काफी अजीब सा ही आपको देखने में लगेगा प्लेयर बैटल, लेकिन हाँ भाई गिल को हार्दिक पांड्या ने 5 बॉल में 3 बार आउट किया है ना, तो ध्यान रखना गिल तो करने वाले हैं ओपनिंग, इनके ऊपर रहेगा कैप्टनसी का प्रेशर, पांड्या करेंगे पावर प्ले में बॉलिंग, और ये जो है इनको परेशान कर सकते हैं ध्यान रखना, क्योंकि वेल एक रहेगा ना, एक कनेक्शन तो है ही इन दोनों प्लेयर्स के बीच में। हार्दिक पांड्या लास्ट ईयर कैप्टन थे और वैसे भी हार्दिक पांड्या जो है इनको परेशान कर सकते हैं, रिकॉर्ड आप देख सकते हो रहने वाला, या इंटरेस्टिंग सा प्लेयर बैटल रहने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा था अगर आप ग्रैंड लीग की टीम से अगर इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेना था वो ले सकते हो। स्मॉल लीग में ये काम नहीं करना है, इनको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट पिछले साल एक शतक इनका आया था, 50 आई थी ना, काफी अच्छी परफॉर्मेंस। बाकी दोस्तों नेक्स्ट अपर बात करते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस के बैट्समैन और गुजरात टाइटन्स के बॉलर्स के बारे में, तो यार ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स हैं। जैसे कि रोहित शर्मा को उमेश यादव ने दोस्तों 108 बॉल में T20 क्रिकेट में 5 बार आउट किया है। उमेश यादव पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, रोहित शर्मा पावर प्ले में बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उमेश यादव इनका विकेट निकाल सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है, ठीक है। ईशान किशन और राशिद खान का है दोस्तों कि राशिद खान ने ईशान किशन को 64 बॉल में 2 बार आउट किया है। मोहम्मद नबी और राशिद खान का भाई कि मोहम्मद नबी को राशिद खान ने 44 बॉल में 2 बार आउट किया है T20 क्रिकेट में। टिम डेविड और राशिद खान का भाई, टिम डेविड को राशिद खान ने 42 बॉल में 2 बार आउट किया है। राशिद खान का नाम दोस्तों बहुत बार आ रहा है और आएगा ही आएगा यार, राशिद खान ने सबको ही परेशान किया है लगभग, और टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं ना। हार्दिक पांड्या को परेशान किया है दोस्तों राशिद खान ने, 37 बॉल में ओनली 27 रन बनाए हार्दिक ने इनके अगेंस्ट और 2 बार अपना विकेट दिया है। रोहित शर्मा को भी परेशान किया है, 26 बॉल में 4 बार विकेट ले चुके हैं रोहित शर्मा का, तो राशिद खान, ठीक है। और उसके अलावा तिलक वर्मा को भी परेशान किया है राशिद खान ने, 10 बॉल में 2 बार उनका विकेट ले चुके हैं, तो राशिद खान एक तरीके से पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मुंबई इंडियंस की पूरी बैटिंग लाइनअप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अगर एक बार वापस बोल रहा हूं, अगर पिच ब्लैक सॉइल निकलता है तो राशिद खान को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा पिच से, और उस हिसाब से आप अगर उस केस में जो है राशिद खान को आप कैप्टन भी बनाना चाहो ना अपनी टीम की, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि राशिद खान उस ब्लैक सॉइल पिच पे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, काफी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में दोस्तों देखने के लिए सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है इस मैच की टीम, तो यार वही मैं आपको बना के दिखाता देता हूं। मैं आ जाता हूं दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी आपको अपने साइड में दिख पा रही होगी। मैंने दोस्तों आज वाला ये जो मैच है गुजरात और मुंबई वाला ये ओपन कर लिया है और इस मैच की मैं आपको एक टीम बना के दिखा रहा हूं, लेकिन यार मैं आपको टीम बना के दिखाऊं
उससे पहले मैं आपको एक बार वापस बोलना चाहूंगा कि यार ये जो भी टीम अपनी इस वीडियो में बनेगी, ध्यान रखना ये फाइनल टीम नहीं रहेगी, इसमें चेंजेज होंगे, इसमें अपडेट होंगे, है ना। और जो भी चेंजेज होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो टॉस के बाद आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप देख सकते हो, फिलहाल में 181,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो भाई टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो खत्म होने वाला है उसके बाद जाके ज्वाइन कर लेना, और लगे हाथ भाई यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि काफी फायदा करवाने वाला है ये यूट्यूब चैनल आपका, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों हम अपनी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन से डेफिनेटली मैं ईशान किशन को रखूंगा। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों देखो यार, मैं मैक्सिमम बैट्समैन को अपनी टीम में रखने वाला हूं, क्योंकि जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली रह सकता है। इस वीडियो में हमने वही पिच रिपोर्ट डिस्कस की है। अभी यार फाइनल पिच रिपोर्ट अगर अलग आ जाती है कि भाई ब्लैक सॉइल पिच रहेगा, तब फिर हम अपनी टीम में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस के अकॉर्डिंग मैं टीम बनाने वाला हूं, तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, है ना, केन विलियमसन, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, इन सबको मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं। यहां से इवन तिलक वर्मा को भी रखने वाला हूं, ठीक है। ये जो टॉप ऑर्डर प्लेयर है ना दोनों टीम के, उन सबको मैंने अपनी टीम में रख लिया। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों हार्दिक पांड्या, यहां पर राशिद खान को भी दे रखा है, इनको भी मैं अपनी टीम में रखूंगा। और उसके अलावा दोस्तों मोबंदा भी वगैरह को एक बार के लिए नहीं रखूंगा, बैटिंग ऑर्डर उनका थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और उसके अलावा नीचे और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस रहेंगे, और 10 प्लेयर हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। लास्ट प्लेयर अपने को उठाना है वो आप मोहित शर्मा को उठा सकते हो, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी लास्ट सीजन मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। उसके अलावा आप पीयूष चावला को उठा सकते हो, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो फिर आप जो है नीचे से स्पेंसर जॉनसन वगैरह को उठा सकते हो, जो कि ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं ना। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहा स्पेंसर जॉनसन को लेके, मैं थोड़ा सा जो है मोहित शर्मा की तरफ जा रहा हूं एक बार, क्योंकि पिच हो सकता है स्पिनर को उतना सपोर्ट नहीं करे, नहीं तो मैं पीयूष चावला को उठा लेता। अगर स्पिनर को सपोर्ट करने वाली पिच बनेगी मैं उनको 100% उठाने वाला हूं, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के लिए मेरी जो टीम है वो ये वाली रहने वाली है, और इसमें दोस्तों जो भी चेंजेज होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, ठीक है। फिलहाल में दोस्तों बात करते हैं देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। कैप्टन और वाइस कैप्टन देखते हैं यहाँ पर, तो हार्दिक पांड्या डेफिनेटली एक अच्छे चॉइस हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों सेफ वाइस कैप्टन चॉइस तो शुभमन गिल वगैरह आ जाते हैं, है ना, राशिद खान भी अच्छी चॉइस है, और उसके अलावा तो आप किसे ही बनाओगे, रोहित शर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं सीवीसी के लिए, है ना। बाकी यार कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी देखो कोई चेंजेज होंगे, कोई अपडेट होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ तो उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। और तो बस ठीक है यार दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।